मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ कि राइटर्स इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेड हैं, शोषण होता है उनका, ये एकदम गलत बात है। आज के राइटर्स बहुत अच्छे खासे पैसे लेते हैं। हम लोग पीके पे काम कर रहे थे, मैं और अंकित तिवारी, राजू हिरानी सर के लिए और विधु विनोद चोपड़ा जी के लिए। तो उन्होंने एक दिन यूं ही फ़ोन किया भूषण जी को, भूषण कुमार द हेड हॉन्चो ऑफ टी सीरीज़, कि मुझे मनोज मुंतशिर और अंकित तिवारी की टीम चाहिए, मेरी फिल्म में एक बड़ा क्रूशियल सा गाना है जो कि फिल्म का थीम सॉन्ग है, जो पूरी फिल्म में कैरी करेगा। इसकी ब्रीफिंग भी वही थी, चोपड़ा सर ने वही बोला कि हम सब जिसको बहुत प्यार करते हैं उसके बारे में अच्छे ख्याल कम आते हैं, बुरे ख्याल ज़्यादा आते हैं। एक इनसिक्योरिटी आती है कि यार ये इंसान कब तक मेरे पास रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज चला जाए कल चला जाए, कितने दिन मेरे पास है। तो वहीं से ये स्टेम हुआ थॉट कि एक ख़ास तरह की जो प्यार वाली इनसिक्योरिटी होती है वहाँ से ये थॉट आता है कि तू मेरे पास तो है ना, तो कहीं जाएगी तो नहीं, तू रहेगी ना मेरे पास। सो दैट्स अ वेरी थॉट ऑफ द सॉन्ग। क्योंकि पिछली बार दिल दरबदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ था, सो दैट वॉज ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू बिलीव कि इस बार तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि चोपड़ा सर को अकाउंट सेटल करना है, तो पुराने सारे कर्जे चुका दिए जाएंगे। इस बार उन्होंने चुकाए, बड़े खूबसूरत तरीके से फिल्म में गाना इस्तेमाल हुआ है, कई बार फिल्म में आता है और फिल्म की पूरी थीम है, तो मुझे मेरी शिकायत वो निकल गई। अंकित इज ऑल सेट टू सरप्राइज द म्यूजिक वर्ल्ड। अंकित के गाने कितने हैं? एक बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि अंकित ने बहुत सारे गाने नहीं किए हैं, अंकित के पास चार गाने हैं, लेकिन उन तीन चार गानों की जो प्रेजेंस है, जो फुटप्रिंट है उनका, वो बहुत हैवी है। तो जितनी पहचान लोगों की 40 गाने करके बनती है वो अंकित ने चार गानों में बना ली है। इसका फ़ायदा ये है कि वो बहुत जल्दी तरक्की कर गए, इसका नुकसान ये है कि सिर्फ चार गानों से लोग उनको आंकने लगे हैं, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रूहानियत है अंकित के अंदर, तो अगर वो क्लब में नाच भी रहा है या क्लब में लोगों को नचा भी रहा है तो रूहानियत से नचाएगा। जैसे मेरा गलियां की जो कामयाबी थी, फिर मैंने बोला कि हर कामयाबी का एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। आपको बहुत जल्दी कैटेगराइज कर दिया जाता है, तो मुझे कैटेगराइज कर दिया गया कि एक सोलफुल किस्म के जो नंबर्स होते हैं उनके लिए मनोज मुंतशिर बेस्ट है। अब उस चीज़ को तोड़ने में मुझे थोड़ा वक्त लगा कि यही एक चीज़ नहीं है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है देने को, आप लेने के लिए दामन फैलाएं, आप झोली फैलाएं अपनी, हम डालेंगे उसमें। तो वक्त के साथ लोगों ने ज़्यादा गाने देने शुरू किए और अभी तो मैं शायद अकेला लिरिक्स राइटर होऊंगा इस इंडस्ट्री का जिसकी तकरीबन 7 फिल्में सोलो इस साल रिलीज़ हो रही हैं। जब आप एक के बाद एक गाने देने लगते हैं तो थोड़ा आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि फिल्म का म्यूज़िक बहुत बड़ी चीज़ है। इन अ वे यस, थोड़ा सा चूजी रहना था मुझे, जो मैं नहीं रहा। बहुत लंबी गिनती नहीं है, पर एक दो ऐसे गाने आ गए हैं और निकल गए हैं मार्केट में, वो शायद ओवर एंथुसियाज्म में निकल गए हैं, क्योंकि आपको ये भी लगता है कि हाँ मैं तो ये भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। तो आप सिर्फ जोश में आके कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, मैं उन गलतियों को नाम नहीं दूंगा, लेकिन आई एम नॉट प्राउड ऑफ कपल ऑफ माई सॉन्ग्स, तो वो गुजरा हुआ कल है। आने वाले दिनों में मैं अपने ऑडियंसेस को बहुत खुश रखूँगा और क्लासी और बढ़िया चीज़ें दूंगा। बहुत बड़ा एडवांटेज है, टीमिंग का फ़ायदा होता है, लेकिन फिर कलर एक जैसा हो जाता है। ये जो दायरा और जो नंबर्स बढ़े हैं ना, इन बढ़ते हुए नंबर्स के साथ ये मुमकिन ही नहीं है कि आप सिर्फ किसी एक के साथ जोड़ी बना के आप आगे बढ़ पाएँ। आपको ज़्यादा ज़्यादा कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा रंगों की ज़रूरत पड़ती है। एनी डे सिनेमा, एनी डे फिल्म, इसकी वजह ये नहीं है कि फिल्म कोई ज़्यादा सुपीरियर मीडियम है और टेलीविज़न इन्फीरियर मीडियम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक सपना देखते हैं, वी आर हेयर ओनली फॉर वन रीज़न, कि हमने कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाब देखा था। जब आपका सपना ही ये था कि आप सिनेमा के लिए लिखेंगे, तो फिर टेलीविज़न आपको कुछ भी दे दे या दुनिया का और भी कोई मीडियम आपको कितनी भी कामयाबी दे दे, पर आपके दिल में वो कसक हमेशा रह जाती है कि यार फिल्में नहीं लिखी, मेरे लिए हमेशा सिनेमा मेरी पहली पसंद रहेगा। लेकिन टेलीविज़न का मैं दिल से शुक्रिया इसलिए करता हूँ क्योंकि टेलीविज़न ने बहुत खुददारी दी है, स्पेशली राइटर्स को। अब राइटर्स किसी के मोहताज नहीं है। एक ज़माना था कि हमें मैं अपनी कॉम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो राइटर्स को बड़ी खुशामद करनी पड़ती थी किसी कैंप में बने रहने के लिए, किसी ग्रुप में बने रहने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी अपनी जगह, घर का किचन भी चलाना है। आज के ज़माने में टेलीविज़न, आपके पास अगर टैलेंट है तो टेलीविज़न आप एक मांगो चार देता है आपको। तो फिल्में तो आज शुरू हुई हैं, ले देखिए एक डेढ़ साल हुआ है, डेढ़ साल से सब सिलसिला शुरू हुआ है,
लेकिन टेलीविज़न ने कमाल की खुददारी दी है। टेलीविज़न ने कभी नज़रें नहीं झुकनी दी मेरी किसी के आगे, टेलीविज़न ने सर बुलंद रखा मेरा। तो प्यार मेरा पहला सिनेमा है, लेकिन शुक्रगुजार मैं टीवी का दिल से हूँ। आप विटी हो सकते हैं, आप ह्यूमरस हो सकते हैं, आप नटखट हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, बदमाश हो सकते हैं, शैतान हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वल्गैरिटी के लिए कोई जगह आर्ट में नहीं होनी चाहिए। चलो हमने मान लिया कि कुछ चीज़ें सेंसर्ड होती हैं, एडल्ट सर्टिफिकेट साथ आती हैं, लेकिन टेलीविज़न पे कौन सा सर्टिफिकेट है? जब हम टीवी पे गाने सुन रहे होते हैं, जब टीवी पे पहली बार कुछ सुनाई पड़ता है, तो चिल्ड्रन आर द फर्स्ट वन टू कैच इट। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम एज अ फादर और एज अ लिरिसिस्ट मैं स्पॉइल ना करूँ बच्चों को, उनको कुछ अच्छा दूँ। 2014 के टॉप 10 सॉन्ग्स आप उठा लीजिए, टॉप 10 सॉन्ग्स में आपको 8 गाने क्लासी रोमांटिक नंबर्स मिलेंगे। 2 गाने ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा ऐसे वैसे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वो भी टॉप 10 में बहुत नीचे पायदान पे होंगे, 9 या 10 नंबर पे होंगे। तो एक बात बहुत साफ साफ समझ में आती है कि सस्टेनेबिलिटी, लॉन्गिविटी, ज़्यादा दिनों तक ठहरे रहना हमेशा क्लासी और अच्छे गानों का ही होता है। तो ज़िंदगी में ठहराव की बहुत बहुत बड़ी अहमियत है। आप ऐसी चीज़ें दें म्यूज़िकली, ऐसे गाने दें आप जो मुझे मेरी तन्हाई में, मेरे अकेलेपन में सोचने पे, गुनगुनाने पे, हंसने पे, रोने पे मजबूर करें, ना कि जब तक मैं बाहर जाके और नाचूं नहीं तब तक मुझे उन गानों की कोई अहमियत समझ में आए। उनकी अपनी जगह, अपनी अपनी कीमत है, बहुत इज्जत से देखता हूँ मैं उन गानों को, लेकिन हाँ ये सच है कि लंबी रेस के घोड़े लॉन्ग एक टेन्योर में वही गाने टिकते हैं जिनमें एक शांति होती है, एक ठहराव होता है। नो आई विल नॉट राइट वल्गर, दैट्स फॉर श्योर। एक फिल्म मेरी आ रही है, आप देखेंगे, जय गंगा जल, उसके जो गाने हैं सारे, उन गानों में हमने बड़ी सफाई से ये कोशिश की है कि रॉन्चीनेस रहे लेकिन अच्छी वाली, पर हमने वो लाइन मेंटेन रखी है कि बिलो द बेल्ट कहाँ से होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ आके हम रुक जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते। इट्स अबाउट द क्लास ऑफ द राइटर, कि एज अ राइटर आपका क्लास कितना है, आपके पास शब्दों का भंडार कितना है, आप एक ही बात को कितने तरीके से कह सकते हैं। बॉम्बे के बाद किसी भी साउथ इंडियन डब फिल्म ने हिंदी सर्किट में कोई बिजनेस कभी नहीं किया। एक्चुअली बड़ी बड़ी फिल्में, रजनीकांत सर की और कौन कौन सी फिल्में जो डाउन साउथ तहलका मचा दिया करती थी, वो हिंदी सर्कल्स में ओपनिंग तक नहीं लेती थी, उनको 2% भी उनकी ओपनिंग नहीं लगती थी। तो इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती थी वो ये थी कि जिस मोमेंट आपको फिल्म में नकलीपन की बू आती है, ये तो नकली है, तो फिर आप नहीं देखना चाहते। और वो नकलीपन की बू आती कहाँ से? वो डायलॉग से और गानों से आती है। सिचुएशन वही है, सेटिंग वही है, आपका कैरेक्टर, उसके लिप्स चल रहे हैं तमिल में और डायलॉग आ रहे हैं हिंदी में, और कुछ भी कहीं मैच नहीं हो रहा, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो प्यार है उस कैरेक्टर के लिए, वो टूट जाता है। बाहुबली में एज अ डायलॉग राइटर मैंने ये बात पूरी तरह से ख्याल रखा कि मेरी फिल्म की जो जेनेसिस है, इसकी जो पैदाइश है, वो भले तेलुगु और तमिल में हो ओरिजिनल, लेकिन जब हिंदी वाले देखेंगे तो उनको एक सेकंड के लिए भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम कोई डब फिल्म देख रहे हैं। सारे क्रिटिक्स ने एक बात लिखी थी, मुझे कईयों के नाम याद हैं, कि 10 मिनट में आप ये भूल जाते हैं कि आप डब फिल्म देख रहे हैं। और राजामौली सर, एसएस राजामौली, मैजिशियन है, मतलब एक जादूगर का नाम है, उनको डायरेक्टर कहना हमें बंद कर देना चाहिए, वो जादूगर हैं। ही गेव मी कंप्लीट फ्रीडम कि आप कैसे लिखना चाहते हो। थोड़ा ग्रैंड ज़्यादा है, अगर बाहुबली 1 देख के आपको ये फीलिंग आई कि यार ये तो कमाल है, कितना मैग्नम ऑपस है, कितना सब कुछ लार्जर देन लाइफ है, तो आप यकीन मानिए कि शायद अभी बार पूरी तरह रेज हुआ ही नहीं है। बाहुबली 1 को आप बाहुबली 2 का ट्रेलर कह सकते हैं, आप बाहुबली 2 देखें, आपके होश उड़ जाएंगे। हम आज भी एज अ राइटर, मैं बता रहा हूँ, मैं या दुनिया के जितने भी राइटर्स हैं, कम से कम हिंदुस्तान में जो इस सरजमीन से पैदा हुए हैं, हम आज भी कहीं ना कहीं तुलसीदास के लिखे हुए थॉट्स को रिक्रिएट करते रहते हैं, जो रामायण में लिखा गया है, जो जायसी ने लिखा हुआ है, बहुत सारे हमने पढ़ा भी नहीं तब भी बात में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमने सबने पढ़ा हुआ है, पर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, आप कहते वही हैं जो 1000 बार कहा जा चुका है, कुछ नया आप कह ही नहीं सकते। एक चीज़ खाली नहीं होती है, वो है आपका अंदाज, आप बात कैसे करते हैं। ये पीरियड मेरा है, इस पीरियड के जो दुख हैं वो अलग हैं, इस पीरियड के सुख अलग हैं, इस पीरियड का जो माहौल है अलग है, तो मुझे अपने दौर से इडियम्स लेने हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आसपास से जो तस्वीरें हैं वो उठाएं, बजाय इसके कि आप कॉपी करना शुरू करें, क्योंकि नकल कभी सही होती नहीं है।
रॉयल्टी इज राइट, हक है वो मिलनी चाहिए। मैं एक बात आपको और कहता हूँ, इतने बुरे हालात अभी भी नहीं है, अभी मैं रॉयल्टी को किनारे रखता हूँ, मैं आपसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आज के राइटर्स बहुत अच्छे खासे पैसे लेते हैं, मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ कि राइटर्स इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेड हैं, शोषण होता है उनका, ये एकदम गलत बात है। टेलीविजन पर राइटर इज द हाइएस्ट पेड टेक्नीशियन, इवन हायर पेड, हायर देन द डायरेक्टर, देन द DOP, इन सबसे ज़्यादा पैसे राइटर लेता है। सिंगर से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा राइटर की फीस होती है। तो ये रोना रोना बंद कर दें आप। अरे कोई मुसीबत में नहीं है, हम बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी डेज, बेस्ट डेज ऑफ बीइंग अ राइटर, द बेस्ट टाइम टू बी राइटर। तकरीबन 15 फिल्में मैं कर रहा हूँ एज ए लिरिक्स राइटर, तो मेरे पास डायलॉग्स के लिए बिल्कुल भी ना बैंडविड्थ बची हुई है और ना स्पेस बचा है। तो जब कहीं लगेगा कि हाँ गाने बहुत हो गए, मज़ा आ गया गाने करके, अब चलो कुछ और करते हैं, तो डायलॉग्स भी करेंगे। सिंगर्स के लिए थोड़ी सी लाइफ आसान हुई है, टेक्नोलॉजी ने उनको थोड़ा सा एक ये फ्रीडम दी है कि अगर आपकी आवाज़ का टिम्बर अच्छा है तो आपका सुर वर हम ठीक कर लेंगे। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से मैनिपुलेशंस बहुत सारे हो गए हैं, आसान हो गई है सिंगर्स की ज़िंदगी। फिर भी अगर आप देखें तो क्या वजह है कि ले देके हम 2-3 सिंगर में ही घूम रहे हैं, अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, बिनी दयाल, आप अगर पूरा का पूरा उठा के देख लें क्लस्टर, तो 3-4 मेल सिंगर्स, 3-4 फीमेल सिंगर्स में पूरी दुनिया सिमटी हुई है। तो मदद हुई है लेकिन चुनौतियाँ वहीं की वहीं हैं, कुछ आसान नहीं हुआ है।